तो आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो वाटर साइकिल या फिर हाइड्रोलॉजिक साइकिल है। ये इस साइकिल में रिजर्वायर्स का जिक्र किया जाता है। रिजर्वायर वो होते हैं जो कि विच कंटेन्स वाटर, जो पानी जिनके पास होता है, और ये वो प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए वाटर जो है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होता है, जैसे फ्रोजन से मेल्टिंग स्टेट में या मेल्टिंग से फिर गैशियस स्टेट में कन्वर्ट होता है, यानी इवेपोरेशन में। ठीक है, दिस साइकिल कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ रिजर्वायर्स कंटेनिंग वाटर, द प्रोसेस बाई विच वाटर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन रिजर्वायर टू अनदर और ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, एंड द रेट ऑफ ट्रांसफर एसोसिएटेड विद सच प्रोसेसेस। दीज ट्रांसफर पाथ पेनिट्रेट द इंटायर हाइड्रोस्फेयर एक्सटेंडिंग अपवर्ड टू अबाउट 15 किलोमीटर 9 miles इन अर्थ एटमोसफेयर एंड डाउनवर्ड टू डेप्थ ऑन द ऑर्डर ऑफ 5 किलोमीटर 3 mile इन द क्रस्ट। जैसे बताया था कि जो अर्थ की सबसे फर्स्ट लेयर है, लोअर मोस्ट लेयर, उसमें ट्रोपोस्फेयर, वहीं पे क्लाइमेटिक चेंजेस आते हैं, तो वो 40 किलोमीटर तक है। तो ये जो है क्लाइमेटिक चेंज, जो बादल बनते हैं वो कितने तक बनते हैं, 15 किलोमीटर तक। वाटर की जो एवेपोरेशन है वो 15 किलोमीटर तक अपवर्ड होती है। ठीक है, वाटर साइकिल इन्वॉल्व द कंटिन्यूस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन द अर्थ एटमोसफेयर सिस्टम। कंटिन्यूस सर्कुलेशन, ये कभी रुकती नहीं है, स्टैटिक नहीं है। ऑफ द मैनी प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन वाटर साइकिल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर इवेपोरेशन, ट्रांसपायरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन एंड रन ऑफ। इवेपोरेशन में क्या होता है? इवेपोरेशन में जो वाटर है, वाटर जो है वो वेपर्स में चेंज हो जाता है। ट्रांसपायरेशन में क्या होता है? कंडेंसेशन में, प्रेसिपिटेशन में और रन ऑफ में, ये आगे जाकर देखते हैं। ऑल्दो द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर विद इन द साइकिल रिमेन्स असेंशली कॉन्स्टेंट, अमाउंट सेम ही रहती है, सेम एनर्जी आगे जा रही होती है, ट्रांसफर हो रही होती है, बस जो स्टेट है ना वाटर की वो चेंज हो जाती है। कभी फ्रोजन से मेल्टिंग में चेंज हो जाती है, लिक्विड बन जाता है, और लिक्विड से कभी जो है वो स्टीम बन जाती है, यानी एवेपोरेशन हो जाती है, गैस बन जाती है। इस डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द वेरियस प्रोसेस इज कंटिन्यूअली चेंजिंग। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्वांटिटी ऑफ अर्थ